खबर है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जिनकी मौत के बाद लगातार उनके फैंस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी मौत जो है वो सुसाइड है। सुशांत सिंह राजपूत का जो शव है उनके कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला था, जिसके बाद में लगातार इसके स्टिल्स, इसके जो फोटोग्राफ्स थे वो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुए थे कि किस तरीके से उनका जो शव था वो बेड पर पड़ा हुआ था। और उसके बाद में कई लोग अलग अलग थ्योरीज के जरिए इस बात का दावा कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड यानी कि आत्महत्या नहीं की है, बल्कि उनकी हत्या की गई है। इसके बाद में अलग अलग तरीके से इन दावों पर जांच की गई और जांच करने के बाद में रिया चक्रवर्ती, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित गर्लफ्रेंड थी, उनको भी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक हवालात में वक्त गुजारना पड़ा, जिसके बाद में केस आगे बढ़ा और मुंबई पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या मानकर बंद कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला जो है उठा है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस तो पहले से ही इस बात को नहीं मान रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो है आत्महत्या की है, बल्कि जो बॉलीवुड का तथाकथित गैंग है वो सुशांत सिंह राजपूत के पीछे था, जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। और इस मांग को लेकर अब उस वक्त बल मिलता है जब एक बार एक ऐसे शख्स का बयान सामने आया है जो कि पोस्टमार्टम करते वक्त उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के पास में मौजूद था जब राजपूत की बॉडी जो है वो कूपर हॉस्पिटल लाई गई थी। शख्स का नाम जो है वो है रूप कुमार शाह। रूप कुमार शाह कौन है? रूप कुमार शाह मॉर्चरी में काम करते हैं, वो कर्मचारी हैं। उन्होंने वो पूरी बात बताई है कि जब उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को देखा तब उन्होंने डॉक्टर से क्या कहा और किस तरीके से डॉक्टर ने उन्हें पलटकर जवाब दिया। इस पूरे मामले पर रूप कुमार शाह का पूरा बयान आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उनके फैंस लगातार इस बात की जिद करते रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए उनको जहां जैसे भी मौका लगा है वो लगातार ये बात कहते रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो हत्या का शिकार हुए हैं, ना कि उन्होंने आत्महत्या की है। रूप कुमार शाह ने क्या बताया, हूबहू वो आपको बताते हैं। रूप कुमार शाह ने कहा यह कि जब सुशांत सिंह राजपूत का शरीर यानी कि शव हॉस्पिटल लाया गया था तो उसके साथ में चार और शव थे, और इसके बाद में ये बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत इन चार शवों में से यानी टोटल पांच शवों में से एक शव जो है वो किसी सेलिब्रिटी का है। चादर हटाकर देखा गया तो सामने सुशांत सिंह राजपूत का शव था। शव देखने के बाद में जो प्रतिक्रिया, पहली प्रतिक्रिया रूप कुमार शाह की थी वो ये थी कि ये शव जो है वो आत्महत्या का नहीं है बल्कि हत्या का है, जिसके बाद में उन्होंने ये बात अपने सीनियर को बताई यानी कि डॉक्टर को बताई। अब हूबहू बयान बताते हैं उन्होंने क्या कहा है। दरअसल रूप कुमार शाह ने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में ही उन्होंने कहा है कि सुशांत की मौत आत्महत्या से नहीं हुई बल्कि उनका मर्डर किया गया। शाह ने यह भी कहा कि सुशांत के शरीर और गर्दन पर चोट के गहरे निशान थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल में पांच शव में एक वीआईपी बॉडी थी। कपड़ा खोलने के बाद हमने देखा कि वो एक्टर सुशांत सिंह की बॉडी थी। बॉडी देखने के बाद लगा कि सुशांत सिंह का केस सुसाइड का नहीं है। गला देखने के बाद मुझे लगा कि घटना आत्महत्या की नहीं है। पैर और हाथ पर मारने के निशान थे। बॉडी की फोटोग्राफी हुआ था। साहब को हमने बोला कि सर वीडियोग्राफी कीजिए। साहब ने बोला तुम्हें जो काम मिला है वो काम करो, सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। सुशांत का फोटो देखने के बाद लगता है कि ये मर्डर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जांच एजेंसियां उनसे पूछेंगी तो वो उनसे भी ये बात बताने के लिए तैयार हैं। तो अपने आप में ये बड़ी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो हत्या नहीं थी, आत्महत्या नहीं थी बल्कि हत्या थी, ये दावा किया गया है कूपर हॉस्पिटल के उस कर्मचारी से, जो मुमकिन है कि कई सारे शवों का पोस्टमार्टम आमतौर पर करता हो। तो उसकी बात को पूरी तरीके से खारिज भी नहीं किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो कौन लोग थे। अगर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, हत्या हुई उनकी, तो वो कौन लोग थे जो इस मामले में इसको हत्या से बचाने के बजाय आत्महत्या साबित करने में जुटे रहे। अब कुल मिलाकर यह है कि रूप कुमार शाह के दावे की जांच होनी चाहिए। तब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, अघाड़ी की सरकार थी यानी कि शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों की गठबंधन की सरकार हुआ करती थी। आज महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है एकनाथ शिंदे के साथ में मिलकर। तो क्या माना जाए कि रूप कुमार शाह के इस बयान के पीछे कोई राजनीतिक मंशा भी हो सकती है? क्या माना जाए कि रूप कुमार शाह का यह बयान जो है अब सुशांत सिंह राजपूत के केस को दोबारा खोलने की वजह बन सकता है? और क्या सरकार इस बयान के आधार पर सुशांत सिंह राजपूत के केस को खोलकर इस बयान की जांच करने की कोशिश करेगी? और हालांकि अब जांच करना जो है एक लंबे वक्त के बाद में उतना आसान भी नहीं होगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल बना हुआ है कि डॉक्टर ने
आखिर ऐसा क्यों कहा और क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है, वो जांच का विषय है। जांच में जो कुछ भी होगा सामने आएगा, लेकिन आगे इसमें जांच होगी या नहीं होगी इस खबर पर नजर रहेगी। आपका इस पर क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि आज भी सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत थी वो आत्महत्या थी या हत्या थी, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय नीचे आकर कमेंट सेक्शन जरूर लिखें, क्योंकि इस केस के बाद ही बॉलीवुड जो है वो फैंस के निशाने पर आ गया था, जिसके बाद से लगातार बॉलीवुड के कई स्टार्स की ट्रोलिंग भी होती रही है। नेपोटिज्म से लेकर कई ऐसे मुद्दे बॉलीवुड से उठकर सामने आए जिसने बॉलीवुड को गर्त में गिराने का ही काम किया है। आपकी इस पर सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में बात जरूर लिखें।